शादी के 4 दिन बाद दूल्हे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दुल्हन हाथ की मेहंदी भी नहीं उतार पाई थी कि उससे पहले वो विधवा हो गई। शादी होने से घर पर सब लोग खुश थे तो वहीं दूल्हा भी खुश था, जिसके बाद दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ गोकना गंगा घाट पर गया था। गंगा स्नान करने के बाद तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। तीनों अपने गांव के पास पहुंचे ही थे कि तभी हादसा हो गया। ग्रामीणों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीह पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शुभम और इंद्रजीत को मृत घोषित कर दिया। अतुल का बायां पैर टूटा है, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची थाना डीह की पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दोस्तपुर बुढ़वारा के पास एक अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे कि 2 जो बाइक सवार युवक थे, शुभम पुत्र अमरनाथ और इंद्रजीत पुत्र शिव बालक, इनकी मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल है। स्थानीय पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया और जो घायल है उसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल मृतक इंद्रजीत की 23 नवंबर को शादी हुई थी। घर पर खुशियों का माहौल था। उसकी मौत की खबर सुनते ही घर पर कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुभम और लकी की दोस्ती आखिरकार अमर हो गई। रायबरेली जनपद के डी छाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा कर दिया। बताया जाता है कि इंद्रजीत उर्फ लकी व शुभम की गहरी दोस्ती थी और दोनों एक साथी के साथ गंगा स्नान के लिए निकले थे। वापसी के दौरान दोस्तपुर बुढ़वारा के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जहां दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं साथी का पैर फ्रैक्चर होने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि इंद्रजीत उर्फ लकी की शादी 23 नवंबर को ही कोमल के साथ हुई थी। वहीं एक दिन पूर्व ही उसकी पत्नी चौथी में घर वापस गई और इसी बीच उसके घर इंद्रजीत उर्फ लकी की मौत की खबर पहुंची। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रालियों पर रोक जरूर लगा दी, लेकिन इस गंगा स्नान मेले के दौरान बाइक ट्रिपलिंग व हेलमेट लगाकर चलने वालों पर सख्ती नहीं बरती, जिसके चलते एक बार फिर यह बड़ा हादसा देखने को मिला। रायबरेली, SK सोनी, पंजाब केसरी।